आखिर तमिलनाडु से हिंदी मजदूरों को क्यों भगाया जा रहा है? आखिर तमिलनाडु का क्या इतिहास है? आखिर किन कारणों से तमिलनाडु हिंदी को पसंद नहीं करता है? आखिर वो क्यों एक विशेष दर्जा की मांग कर रहा है? और क्यों वहां से बिहार के, यूपी के, झारखंड को जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं उनको भगाया जा रहा है? इस पूरा मसला को, पूरा विवाद को समझने के लिए वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरा अंत तक समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों हिंदी मजदूरों को भगाया जा रहा है। देखिए तमिलनाडु ये वाला आपका इंडिया का नक्शा मैप है, इंडिया का मैप है, सिर्फ समझाने के लिए मैं ये आपका मैप बना हूं। देखो अपना इंडिया जो दो दिशाओं में बटा, एक साउथ एक नॉर्थ, ठीक है ना। इधर का आपका क्या कहलाएगा, ये नॉर्थ, और नीचे वाला ये आपका साउथ में चलाता है। देखो कहने का सीधा सा क्या मतलब समझिए, ये वाला जो पूरा जो क्षेत्र आएगा ये आपका साउथ में चलाएगा। पूरा क्षेत्र किस में है? साउथ में। और ये साउथ वाले हमेशा जो है ना एक अलग मतलब देश की मांग की है, शुरू से ही, अभी से नहीं, शुरू से ही मांग की है। पहले ये समझो, अभी विवाद तमिलनाडु में चला है, इधर साइड वाला जो क्षेत्र होता है तमिलनाडु है, और इसके जस्ट बगल वाला केरला है, जो साक्षरता दर में सबसे आगे इंडिया में, ठीक है। देखो तमिलनाडु में जो भाषा बोली जाती है तमिल, देखी जाए एक तरह से तो अपने इंडिया की सबसे संस्कृत जो भाषा है ना, वो संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, यानी संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। और संस्कृत के बाद अगर कोई पुरानी भाषा आती है तो इतिहास के अनुसार जानकारी मिलता है तमिल। तमिलनाडु वाले लोग जो है ना तमिल भाषा बोलते हैं, और वो तमिल को ही एक विशेष दर्जा देने का, विशेष दर्जा दिवाने का काम, विशेष दर्जा दिवाना चाहते हैं। देखो तमिलनाडु से सबसे पहले इसका नाम द्रविड़ नाडु था, जो साउथ जो आपका इंडिया होता था इसका द्रविड़ नाडु था, ठीक है ना। ये द्रविड़ नाडु जब अंग्रेजों का राज था, या जब अंग्रेज हमारा देश को आजाद किए थे, उस समय ये एक अलग देश की मांग कर रहे थे। पहले पूरा समझो, मसला पूरा समझ लें आपको, ठीक है ना। ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र आपका, यानी ये समय साउथ वाला क्षेत्र पड़ता है, ठीक है ना। इसमें विवाद अभी तमिलनाडु में चल रहा है, और यहाँ से सारे बिहारी के, सारे यूपी वाले को, सारे झारखंड वाले को, मतलब जितने लोग हिंदी बोल सकते हैं, तमिल भाषा छोड़ के कोई और भाषा बोल सकते हैं, तो उन सारे लोगों को वहां से मार के, काट के भगाया जा रहा है। देखो सबसे पहली बात समझो, तो तमिलनाडु का क्या नाम था? द्रविड़ नाडु। बाद में इसको जब लोगों ने, तमिलों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो इन्होंने क्या किया भाई, द्रविड़ नाडु से तमिलनाडु अपना नाम चेंज कर लिया था। देखो भारत के चार टुकड़े, जब अंग्रेज देश को आजाद किए तो देश को छोड़कर जा रहे थे, उस समय भारत के चार टुकड़े होने वाले थे। चार टुकड़े आप सोचेंगे कैसे, एक तो पाकिस्तान ने खाली अलग हुआ, नहीं बाबू, चार टुकड़ा इंडिया का होने वाला था। कौन कौन सा? सबसे पहला देखिए, सबसे पहला मुस्लिम तो अलग होने वाला था पाकिस्तान, दूसरा का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का छोटे दास देश के, छोटे जातों के लिए एक अलग देश का मांग था, तो पाकिस्तान हो गया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर छोटे जातों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे, क्यों? क्योंकि उस जमाने में अंग्रेज जब हम लोग को गुलाम बनाकर रखे थे, उस समय छोटे कास्ट का कोई इज्जत नहीं था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ बहुत जातीयता हुआ था, इसी कारण से छोटे जातों के लिए एक अलग देश का मांग कर रहे थे। तीसरा कौन सा? तो तीसरा आपका था ये साउथ, द्रविड़ नाडु जो था एरिया साउथ वाला, ये एक अलग देश की मांग किए थे। तो चार टुकड़ा आपका हो गया। पहला टुकड़ा कौन सा हो गया? तो पहला आपका साउथ वाला, दूसरा का हो गया नॉर्थ वाला, तीसरा पाकिस्तान, और चौथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो छोटे जातों के लिए देश मांग रहे थे, यानी इंडिया के चार टुकड़ा। लेकिन डॉक्टर गांधी जी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समझा लिए, और ये साउथ नॉर्थ सब समझ गया, पाकिस्तान नहीं समझ पाया, जिसके कारण से पाकिस्तान हम लोग का अलग हो गया। तो याद रखिएगा, ये जो मसला भी चल रहा है ना, ये मसला द्रविड़ नाडु का या साउथ वाले का, ये आज से नहीं, ये बहुत पुरानी मसला है, और ये हमेशा से अपने आप को स्वतंत्र करने की घोषित हुआ, स्वतंत्र करने की मतलब कोशिश की है। देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतने चलाक इंसान थे, उन्होंने संविधान में ये लिख डाला कि कोई भी राज्य अपने इंडिया से अलग नहीं हो सकता है, बशर्ते वो जो राज्य है वो अपना नाम चेंज कर सकता, अपना रंग रूप चेंज कर सकता है, लेकिन वो कभी अलग नहीं हो सकते। जैसे अमेरिका जो मिलकर एक राज्य, मतलब अमेरिका में जो राज्य मिले हुए हैं, वो सब अलग होकर जस्ट क्या कर सकते, एक अलग देश बना सकते हैं, लेकिन इंडिया में, इंडिया के संविधान में कोई ऐसा नियम नहीं है। अब इंडिया के संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? देखो यहां पर संविधान जो बनाया गया वो सभी के लिए है, हमें स्वतंत्र है, धारा 19 जो बनाया गया स्वतंत्र, हम किसी भी राज्य में अपने इंडिया के कोने कोने में जाकर काम कर सकते हैं, वो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, तमिलनाडु से लेकर कुछ, अपने इंडिया के हर कोने में हम जाकर स्वतंत्र कर सकते, कुछ भी कर सकते। लेकिन फिर भी हर साल बिहारियों को हर बार भगाया जाता है, कभी गुजरात से, कभी पंजाब से, कभी महाराष्ट्र से, कभी मराठी लोग मार के भगाते, कभी वहां जलाया जाता है। इसके पीछे का रीजन बस बिहार सरकार है। वो क्यों है, आगे मैं इसकी चर्चाएं करूंगा। देखो तो ये भारत का चार टुकड़ा हुआ था। अब आगे बात करते हैं विशेष दर्जा। देखो इसके कुछ साल पहले मोदी जी आए थे तमिलनाडु में, यहाँ पर आए थे, कुछ चीज का उद्घाटन था। तो यहाँ पर जो सरकार थे, जो सीएम है, जिनका नाम MK स्टालिन है, ठीक ना, इन्होंने मांग क्या किया था, इन्होंने मांग किया था विशेष दर्जा का। अब भैया आप सोचिए विशेष दर्जा क्या, बिहार भी तो विशेष दर्जा का मांग करता है, तो बिहार का विशेष दर्जा, बिहार एक विशेष दर्जा मांगता है, लेकिन ये बेचारे
ऐसा दर्जा मांगना चाहता है, ये मतलब तमिलनाडु एक ऐसा दर्जा मांगना चाहता है जिसके अंतर्गत इसका खुद का एक झंडा होगा, जिसके अंतर्गत भारत सरकार का कोई उसके ऊपर अधिकार नहीं रहेगा। हाँ, नाम के लिए रहेगा कि इंडिया में जुड़ा हुआ है, इंडिया के साथ मिला हुआ है, लेकिन स्वतंत्र ये एक देश के रूप में उभर कर चलाएगा। यानी नाम के लिए इंडिया के संपर्क में रहेगा या देखेगा ये तमिलनाडु, नाम के लिए सिर्फ रहेगा, लेकिन लेकिन ये क्या रहेगा, इसका खुद का नियम, खुद का कानून, खुद का संविधान, खुद का सब चीज रहेगा। अब यही तो हाल था जम्मू कश्मीर का, जिसके कारण से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। भाई मोदी आए, आते आते धारा ये धारा 370 हटा दिए। अब यहाँ पर भी वही चीज़ें खोज रहे थे बेचारे, जिसके कारण से मोदी जी ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। जब ये इन लोगों का एमके स्टालिन का जब ये चारा नहीं चला, विशेष दर्जा वाला चारा नहीं चला, तो इन्होंने क्या किया, एक तरीका अपना लिया। वो कौन सा तरीका उसको समझिए, इन्होंने तरीका ये अपनाया, ये इनके तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ये कहने का इनका सीधा से मतलब है कि जो हिंदी मजदूर आते हैं वो कम दाम में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ के जो लोग काम करते हैं, यहाँ वहीं तमिलनाडु के जो लोग काम करते हैं वो क्या करते हैं कि 800-900 मतलब उनका महीने में सबसे ज्यादा, हर राज्य से ज्यादा इनकम उनकी बनती है, ठीक है ना। लेकिन जो बाहरी मजदूर आ रहे हैं, हिंदी वाले मजदूर आ रहे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, कम दाम पर खटना शुरू कर दे रहे हैं। इस मुद्दा को लेकर लपेट कर वहां के लोग विवाद कर रहे हैं, और ये विवाद का देखो नतीजा ये चाह रहे हैं कि हमारा जो द्रविड़ नाडु जो तमिलनाडु है एक अलग राज्य के रूप में सरकार एक विशेष दर्जा दे रहे हैं। तो ये बेचारे भूल रहे हैं, ये बेचारे भूल रहे हैं कि बिहार का ही जो राजा महान सिकंदर, महान सम्राट अशोक, नाम सुनोगे ना, जो अफगानिस्तान तक ससुरी शासन किया था, कोना कोना तक उसका शासन चला था, ये लोग भूल जाते हैं। तो सीधा सा बात है कि मजदूरों का एक बहाना बनाया गया, अब वहां के मजदूरों पर अत्याचार किया जा रहा है, और अत्याचार किया जा रहा है जिसके पीछे का रीजन क्या है, विशेष दर्जा। ये लोग चाह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र कर दीजिए, स्वतंत्र क्यों आप लोग, ये तो शुरू से विवाद चल रहा है। और देखिए सबसे पहली बात समझो कि एक और विवाद था, बिहार झारखंड का विवाद। ये बिहार झारखंड का जो विवाद था, आप इसके बारे में जानते होंगे। तो ये झारखंड देखो क्या ना कि एक राज्य जो है ना टूट सकता है, एक जो राज्य है वो अपने इंडिया से टूट सकता है, लेकिन देश से अलग नहीं हो सकता है। लेकिन ये ससुरी का मांग है कि हम क्या करें, अलग हो जाए। तो एक बात बताइए जरा सा, अगर आपको अपने भाषा पर इतना गर्व है तो फिर आप लोग हिंदी में मूवी क्यों बनाते हैं, खुद के तमिल भाषा में मूवी बनाकर आप लोग पैसे कमाइए, नहीं कमा सकते। इनको पता है क्योंकि इनका सबसे ज्यादा बजट, सबसे ज्यादा कमाई हिंदी भाषा से ही होती है, इसी कारण से लोग सबसे ज्यादा काम जो ना हिंदी भाषा में ही करते हैं। अब जाइएगा ना वहाँ हिंदी भाषा देखिएगा तो हिंदी भाषा ब्लैक लेप देता है सब, इतना मतलब इतना ही लोगों को जलन हो गया। सोचिए अपने इंडिया में महात्मा गांधी बोले थे, जो इंसान अपने देश से, देश के राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा का सम्मान नहीं कर सकता, वो रियल अपने देश का नहीं होने वाला है। और रियल बता रहे हैं बिहार सरकार को, युवा सरकार बन जाए तो थोड़ा बिगाड़ देगा वहां पर घुस के सीएम का। अपने इंडिया में जब संविधान बनाया गया था वहां पर था नियम कि कहीं भी हम लोग जा सकते हैं, स्वतंत्र है, कोई नहीं रोक सकता, धारा 19 ये कहती है। लेकिन आज नहीं, आप तमिलनाडु में नहीं जा सकते, गुजरात में नहीं जा सकते, पंजाब में नहीं काम कर सकते, महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी लोग आपको जला देंगे, गुजरात में जाएंगे तो गुजराती लोग आपको मार के भगाएंगे, आप उसके बाद किसी भी राज्य में गुजरे नहीं है बिहारी का। और तो ये संविधान क्यों बनाया गया, ये देश क्यों बनाया गया, अखंड भारत, अखंड भारत, घंटा भारत। सीधी सी बात है कि बिहार जो है बाबू, ये बिहार जो है, ये बिहार जो एक राज्य है, बिहार, ये बिहार आपका इस साइड में पड़ता है, ठीक है ना, ये बिहार है आपका, ठीक है ना, नेपाल के जस्ट बगल में, क्योंकि बिहार के उत्तर में नेपाल पड़ता है। तो ये बिहार की जो सरकार है इसकी सबसे बड़ी नाकामी है, अभी तक बिहार में कोई फैक्ट्रियां नहीं बैठ पाया, बिहार में अभी तक कोई चीज़ आ नहीं पाया जिसके कारण से मजदूर यहीं पर काम कर सके। तमिल वाले में बहुत सारा फैक्ट्रिया है जिसके कारण सबसे लोगों को गर्व होता है कि हम ई है, ऊ है, ई करेंगे, ऊ करेंगे, तो ये सब गलत चीज़ है। इंडिया एक एक अखंड राष्ट्र बन चुका है, मतलब ये जो रियासत पहले बटा था देश आजादी से पहले 565 में, वो सब मिलकर एक स्वतंत्र देश बन चुका हम लोग का, कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, फिर लोग रोक क्यों लगाते हैं। अगर हिंदी वाले बाइकॉट करना शुरू कर दे द्रविड़ नायडू को, यानी साउथ वाले लोगों को, तो लगता है कि उनका बजट गिर जाएगा। जिस चीज पर गर्व है कि हम लोग अपने राज्य में इतना पैसा कमा सकते हैं, ये कर सकते हैं, अगर हिंदी वाले बाइकॉट करना शुरू कर दे तो इन लोग का बजट इतना गिर जाएगा कि खाने खाने का मोहताज हो जाएंगे। इन लोगों को लगता है कि हमारी अपनी संस्कृति है तो हम इंडिया से साफ अलग हो जाएंगे। नहीं, यहां सभी धर्मों का, अपने इंडिया में सभी धर्मों का सम्मान किया, कहां छीना गया आपके सम्मान को, कहां बोला गया कि आप हिंदी रखिए। देखो हर राज्य का अपना अपना एक भाषा है, बिहार का भोजपुरी है, लेकिन फिर भी हम लोग हिंदी का सम्मान करते हैं। हम लोग कहे नहीं कहते कि हम लोग को अलग करिए, एक स्वतंत्र देश दीजिए। नहीं, बिहार देखो, बिहार आज भी सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है, लेकिन फिर भी ये इंडिया के सबसे ज्यादा बजट को बढ़ाने का काम करता है। और बिहार ऐसा राज्य तो आपको मिलेगा भी नहीं, ठीक है, सबसे ज्यादा शिक्षा में आगे कोई राज्य तो यही है, सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी, सबसे ज्यादा मैथमेटिशियन आपको मिलेगा तो बिहार से मिलेगा। अभी पूरी दुनिया पर राज करने वाले शिक्षक बिहार के ही है खान सर, फिर बिहार को इतना कमजोर क्यों समझा जाता है, बिहार के मजदूरों को क्यों भगाया जाता है, इसके पीछे का रीजन है बिहार सरकार कमजोर है और
बिहार सरकार कोई कदम नहीं उठा सकती है कोई फैक्ट्री है। सोचिए बिहार सरकार की अगर बात करी जाए तो जितना हम लोग टैक्स देते हैं वो चाहे तो बहुत सारी फैक्ट्रियां ला सकता है अपने बिहार में, बहुत जगह फैक्ट्री की स्थापना कर सकता है, लेकिन ना जाने बिहार सरकार ससुरी को क्या दिक्कत है कि फैक्ट्री नहीं स्थापित कर पाता है। देखिए तो सीधा सा मतलब है यहाँ से मजदूरों को भगाया जा रहा है, मजदूरों को भगाया जा रहा है, और ये भगाने का सिर्फ रीजन उन लोगों का काम नहीं, को लोगों को पैसा कम मिला है, रीजन ये है कि वो लोग चाह रहे हैं कि तमिलनाडु को अलग किया जाए, उन्हें एक विशेष दर्जा दिया जाए। अगर ये तमिलनाडु को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित नहीं किया जाएगा तो उनको एक विशेष दर्जा दिया जाए जिसके अंतर्गत वो इंडिया से जुड़ कर रहेगा, लेकिन नहीं, जम्मू कश्मीर वाला ही हो जाएगा, वहाँ का खुद का प्रधानमंत्री होगा, खुद का एक संविधान होगा, खुद का अपना संरक्षक होगा, वो कुछ भी कर सकता है, कोई दबाव नहीं है, इंडिया का कोई भी नियम कानून वहाँ पर लागू नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, सिर्फ नाम के लिए संपर्क रहेगा। तो मोदी जी ने इस चीज को ठुकरा दिया था। अब देखिए भाई, सीएम जो है ना यहां का एमके स्टालिन, ये कैसे थे? ये देखो, यहां पर द्रविड़ नायडू में एक जस्टिस पार्टी की स्थापना हुई थी और ये जस्टिस पार्टी शुरू से ही इसको अलग करने के लिए सोची थी, और इसी विशेष दर्जा वाले मुद्दा को ए जो राजा है ना यहां के ए राजा, उन्होंने उठाया था, जिसको मोदी जी ने नकार दिया था। तो सीधी सी बात है कि हम एक इंडिया के, ये जो भारत के 28 राज्य है, हम लोग भारत के जो है ना एक अंग है, और ये भारत का अंग है, और यहाँ पर कहीं भी हम लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, तमिलनाडु वालों को ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? और भाई देखो, क्या ना कि सबका अपना अपना सोच होता है, इस ससुरी राज्य का सोच अलग है, तो बिहारी इतना जनसंख्या, कितना जनसंख्या होगा? देखो यहाँ बता रहा हूँ, हिंदू की बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु में हिंदू सबसे ज़्यादा हिंदू है, लगभग 89%, यानी इनके पूरे जनसंख्या का 89% क्या है? हिंदू है। 7-8% मुस्लिम है, कुछ परसेंट सिख है, सभी धर्म के लोग यहाँ पर है, लेकिन ना जाने फिर भी ये क्यों नहीं पसंद करता है लोगों। तो सीधी सी बात है, ये लोगों का शुरू से विवाद चला, शुरू से चाह रहा है कि तमिलनाडु को अलग करे, कई बार कोशिश किया लो लेकिन नाकाम रहा, और इस बार भी ये नाकाम रहेगा। ये लोग जो विवाद उठाए उस विवाद से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, एक बात कहूंगा, बिहार में जिस दिन युवा सरकार बन गया ना, बता रहा हूं, जिस दिन बिहार में युवा सरकार बन गया ना, वह दिन किसी राज्य का मजाल नहीं होगा कि बिहार के लोगों को, अब बिहार के लोगों को भगा सके या बिहार के लोगों पर अत्याचार कर सके। लेकिन मरा हुआ सरकार बन रहा है, घटिया सरकार बन रहा है, तो क्या फायदा? जो आएगा तौने लसार के चले जाएगा, कभी हे राज्य से मार खाइए, कभी इस राज्य में आपको जला दीजिएगा, कभी से भगा दीजिएगा, हर जगह से लाते खाना है। तो जरूरत है अपने बिहार को जगाने की और एक नई युवा सरकार लाने की, जो कुछ भी कर सकता है अपने जनता के लिए, जनता के लिए सीट भी छोड़ सकता है, जनता के लिए अपनी जान भी दे सके, ऐसा कोई सरकार हमें चाहिए, लेकिन ऐसा मिले तब ना। हालांकि चलिए, आप लोग कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है, क्या तमिलनाडु वालों को हिंदी मजदूरों के साथ ऐसा करना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।